हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर देश में सियासत तेज हो गई है। सेबी प्रमुख और उनके पति पर आरोपों वाले हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा है। इससे पहले कई विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था, वहीं बीजेपी नेता इस रिपोर्ट का सिरे से खंडन कर रहे हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है कोई विदेशी रिपोर्ट जारी हो जाती है। संसद सत्र के ठीक पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। ये सब घटनाक्रम संसद सत्र के दौरान होता है। विपक्ष के विदेश से ऐसे संबंध है कि भारत के हर संसद सत्र से के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। वे भ्रम फैलाकर भारत में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं और वे सेबी पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले 30 से 40 सालों से हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है, यूनियन कार्बाइड के साथ क्यों खड़ी रहती है? जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रही हिंडनबर्ग के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य, और उस समय जब लगभग नियमानुसार तो संसद का सत्र चलता होना चाहिए था और उसके ऊपर विपक्ष ने जिस प्रकार से सात समंदर पार से उठे उस सुर में ताल मिलाने का काम किया है, यह अपने आप में पहली घटना नहीं है। विगत कई वर्षों से आपने देखा जब जब भारत का संसद का सत्र शुरू होता है, एक मिनट इसको वो कर दीजिए, भारत की जांच एजेंसियों में से का जांच का सामना कर रही एक कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा सात समंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है, और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसका अर्थ यह हुआ कि आप ये को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी, और यह मैं इसलिए देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी, जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी, कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थंडर का स्टेटमेंट, ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में संपन्न चुनाव भारत के इतिहास के इकलौते चुनाव थे जब सात समंदर पार से बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा, जॉर्ज सोरेस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए हैं भारत में मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए।